3, 2, 1 के उवैद जो है इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंशाल्लाह गज़वा हिंद करेंगे और क्या नाम इस सनातन देश को जिसको हिंदुस्तान कहते हैं वो मुसलमान देश बनेगा। हम इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान से, वो इंडिया से। गज़वाए हिंद जो जो जिस जो, जिस जिसका प्लान है ना उसी के पिछवाड़े में देकर के उधर ही फेंक दिया जाएगा। आपको पता है वो योगी जो राशन देता है ना, योगी जो राशन देता है वो राशन मैं नाली में डाल देता हूँ, पता है जिसको। अरे भाई ये टकला टकला आज उसी से फट रहा है, पता है उसको कि फिर बुलडोजर बाबा का क्या आतंक होता है, कैसे गज़वाए हिंद निकालता है पीछे पीछे। आज के बाद ये सब बातें नहीं कहूंगा और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आज के बाद ये नहीं करूंगा, और फ्लैग अभी हटा रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं करूंगा। जी मोहम्मद अली भाई, अस्सलाम वालेकुम और सभी को मेरा सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम उवैद। उवैद आप तो माशाल्लाह मुस्लिम हैं, आपको सलाम का जवाब दिया जा सकता है। एक्स मुस्लिम को तो मैं जवाब ही नहीं देता, इसलिए मेरे लिए मैटर नहीं करता, मगर आप लोगों को सलाम ही नहीं करता अली साहब। नहीं बहुत करते हैं। अपनी भावाई खुद ना बापना मोमिया मिठुम ना बने, ये भी कहेंगे मुझे सलाम ही नहीं करता है क्योंकि हम सलाम को महत्व ही नहीं देते हैं मेरे सर। जी बोलिए। अच्छा, आप नहीं देती हैं, चला गया ये गालिब, चला गया गालिब, मुझे सलाम करता है, समीर सलाम करता है, क्या नाम, हम तो कितने लोगों के साथ सलाम, हम तो कोई मोमिन को ना सलाम करे। जी अच्छा करती हैं, आपको करना भी नहीं चाहिए क्योंकि आपको सूट ही नहीं करता सलाम करना, उसका जवाब देना। सूट करे या ना करे वो तो अपने ऊपर है कि हम अपने ऊपर कैसे सूटेबल कर सकते हैं, हम करते ही नहीं है। आप नहीं बिल्कुल करना भी नहीं चाहिए ना, क्योंकि आप इस्लाम छोड़ चुकी हैं, पता नहीं आप हिंदू हैं अपनी दुकानदारी चला रही है या वाकई इस्लाम छोड़ के बैठी हुई है। तो कहने का मतलब दुकानदारी में कोई जात नहीं होता है, सुनिए दुकानदारी में कोई जात नहीं होता है, दुकानदारी होता है, बात को समझा करे, कभी बिजनेस वाली बात करते कभी बुजदिलों वाली बात करते आप तो। अरे अपने दुकान आप कोई दुकान आप कोई आप सामान आप सामान लाने जाते हैं तो क्या आप पहले जाति देख कर जाते हैं क्या दुकान के अंदर सामान खरीदने, क्या बात करते हैं। दुकानदारी होती है ना, ये जाति वगैरह आपके यहाँ चलती है, हमारे यहाँ नहीं चलती है। हम यहाँ पे अगर अभी आपने जस्ट बोला कि आप हिंदू हैं और दुकान चला रही हैं तो हम तो भाई सब्जी लाने जाते हैं, हम ये नहीं पूछते, हम पूछते भाई आलू कैसे केजी है, टमाटर कैसे केजी, ना कि पूछते तो कि तुम हिंदू हो या मुस्लिम हो। आप एक्स मुस्लिम ना, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं, हमारे यहाँ जातियाँ चलती है, आपके यहाँ फिरके चलते हैं भाई। एक मिनट मोहम्मद अली भाई आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ ना, हम आप हमारे यहाँ जातियाँ चलती हैं और आपके यहाँ फिरके चलते हैं ना, तो आप इस पे तो मत बोलिए। एक मिनट एक्स मुस्लिम एंजल, आपसे एक क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं? हेलो जी पूछिए। जी मैं उनसे पूछ रहा हूँ ऊपर। हाँ म्यूट पे है शायद, आप सवाल रखिए। चले वैद आप अपना सवाल रखें, सवाल रखें आप अपना। मैं अपना सवाल ये रख रहा हूँ, आपने मुस्लिम धर्म को छोड़ा, बढ़िया बात है आपके हिसाब से, वैसे मुस्लिम धर्म को छोड़ने के बाद रुजवाही करना ये आपके हिसाब से सही है? जो रुजवाही आप करती फिर रही हैं, आपने एक धर्म छोड़ दिया उसके बाद चुप बैठ जाइए, चाहे आप किसी रिलीजन को फॉलो करें कुछ करें, चाहे आप कुछ भी खाएं, गोबर खाएं या कुछ भी खाएं, रुजवाही क्यों कर रहे हैं उसकी, ये आप इसका आंसर दे दीजिए। एंजल जी आप हैं? यार एंजल जी नहीं है, अगर जब तक मैं एक बात रखना चाहूंगा थोड़ा सा जी क्या 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 हुआ जी, आपने क्वेश्चन सुना कि क्या क्या बोले अली भाई, आपने क्या बोला? नहीं अली साहब आपने क्या बोला, बोल रहे हैं एंजल जी कि आपने इस्लाम छोड़ दिया तो आप चुपचाप बैठ जाएं, रुसवाई क्यों कर रहे हैं? अच्छा नहीं इसलिए कर रहे हैं, ये रुसवाई नहीं कर रहे, आपको कहां से लगता है? रुसवाई किसे कहते हैं पहले मुझे ये जरा आप एक्सप्लेन करेंगे सर, रुसवाई किसे कहते हैं? इसका मतलब आपके पास बहुत टाइम है, आप फ्री हैं? नहीं रुसवाई किसे कहते हैं आप? हाँ, मैं ये कह रहा हूं फ्री है, बिल्कुल बिल्कुल जी आप बिल्कुल फ्री हैं? हाँ फ्री है, बोलिए। ठीक है चलिए, आपकी मर्जी है, आप फ्री हैं। चलिए मोहम्मद अली भाई कुछ कह रहे थे उनकी सुन ले। मैं ये कह रहा था एक्स मुस्लिम हो या मुस्लिम हो, बात यहाँ पर इन दोनों में एक चीज कॉमन है कि हिंदुओं की जो इनके लिए, हिंदुओं के लिए जो मुकद्दस किताब है उनको हम मानते ही नहीं है, जीरो
जीरो जीरो बटा जीरो है हमारे लिए। अब बात ये आ रही है एक्स मुस्लिम पहले भी इनको एक्स क्या नाम जब मुसलमान था तो इनको जीरो बटा जीरो मानता था, और अभी एक्स मुस्लिम बनने के बाद भी इनके दिलों में इनके दिमागों में उन किताबों को लेके जीरो बटा जीरो ही है। अब मगर ये यहाँ पर पब्लिक में आगे नहीं बोलेंगे हाँ जी हिंदुओं की जो किताबें वो हमारे लिए एक्स जीरो बटा जीरो है। तो ये इनके अंदर मुनाफिकत इतनी कूट कूट के भरी हुई है जिसकी कोई हद नहीं। बोले ये सच बोले कि हाँ जी हम मानते हैं, इससे क्या साबित होता है, इससे क्या साबित होता है, इससे आप क्या साबित करना चाह रहे हैं अली साहब? मैं आपको बताता हूँ, इससे ये साबित होता है हिंदुस्तान में आप जब मुसलमान थे, अगर आप थे, मुझे नहीं मालूम है कि आप थी नहीं या नहीं थी या दुकानदारी कर रही है उस वक्त भी आपने दुकानदारी बोलिएगा तो फिर जाति मत लाइए। हाँ दुकानदारी बोलिए तो जाति मत लाइए। अच्छा मैं आप एक मिनट को कंप्लीट करने दिया करें, बड़ी मेहरबानी, बीच में थॉट छूट जाते हैं और फिर वो सेंटेंस भी अधूरा रह जाता है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये अगर आपके दिमाग में जब आप मुस्लिम थी तो आप उस वक्त बोले ना, कोई मुसलमान इंडिया का कोई बंदा आके बोल दे कि मैं इनको मुकद्दस किताबें मानता हूँ और इसमें जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है, तो हम तो ये कहते हैं कि इंडिया का मुसलमान पहले भी इन किताबों को झूठ मानता था, झूठ का पुलंदा मानता था, और आज भी एक्स मुस्लिम बनने के बाद झूठ का पुलंदा मानता है। तो ये बोले ना पब्लिक को बताएं, आप आपके दिल दिमाग के अंदर जो है हिंदू किताबों को लेके वो क्या विचार है? ये बात बोल दी है, हम इसका पूछते हैं क्या? ये बात रिपीट फिर से आप रिपीट कर रहे हैं सेम बात, हम पूछ रहे हैं इसका बोलने का मतलब क्या है? हम एक्स मुस्लिम है, हम किसी भी जाति धर्म को नहीं मानते हैं, ठीक है? हम इंसानियत को तवज्जो देते हैं। अरे आप लोग क्या इंसानियत को, आपके साथ अभी गज़वा हिंद होने वाला है, आप टेंशन ना लो। गजवाए हिंद जो जो जिस जो, जिस जिसका प्लान है ना उसी के पिछवाड़े में देकर के उधर ही फेंक दिया जाएगा गजवाए ये ना कभी हुआ ना कभी होगा। एक मिनट मोहम्मद भाई अभी आप चुप रहना, आपको हिंदू राष्ट्र चाहिए क्या? हमें वो राज चाहिए जहाँ पे औरतों को इज्जत दिया जाता है, जहाँ पे उसको ये नहीं कहा जाता है तुम्हें पढ़ने का अलाव नहीं है, तुम नकाब लगा कर चलो, तुम्हें हिजाब करना है, तुम्हें पढ़ने नहीं जाना है, तुम हमारे लिए खेती हो, तुम कमा नहीं सकती हो, ये मर्द का ही हक है सिर्फ कि वो खुद कमाए, ऐसी चीजें नहीं चाहिए। तो फिर मैं आपको बताता हूँ कौन सी आइडियोलॉजी में जाना चाहिए। LGBTQ सबसे बढ़िया रहेगी आपके लिए, खुली आजादी है उधर, आप उसमें जाइए। आप तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कहाँ जाएंगे? आप कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि कहाँ जाएंगे? आप कौन होते हो? मेरी मर्जी मेरा देश। देखिए एक बंदे आप कौन होते डिसाइड करने वाले कि कहाँ जाएंगे? आप पाकिस्तानी आकर मुझे बताएंगे, आप पाकिस्तानी आकर मुझे बताएंगे कि कहाँ जाना है? कटोरा लेके खुद तो निकल जाए सही रास्ते पे। मैं तो इंडिया से हूँ, मैं क्या बताऊंगा? हाँ मैं तो खुद भाई, तू अरब चला जाना, अरब चला जाना, तू यहाँ क्या कर रहा? तू अरब जाना, मैं क्यों अरब जाऊँ? नहीं तो तू अरब, अरे अरबी जहनी, अरे अरब को बुला, तुम अरब जाओ ना, तुम अरब जाओ, तुम यहाँ क्या कर रहे? तुम अरब जाओ ना, हिंदुस्तान आपके फादर का देश है। टू नेशन थ्योरी बनी थी तो क्यों नहीं गए? टू नेशन थ्योरी बनी थी जब तुमको इस्लाम के नाम पे पाकिस्तान चाहिए था, तुम क्यों नहीं गए? तुम यहाँ क्या जग मार रहे हो? वही तो आपके लिए भी सवाल है कि टू नेशन थ्योरी बनी थी तो आपके आपके जो बुजुर्ग थे, आपके जो बड़े थे, वो क्या वहां पे झक मार रहे थे? वो हिंदुओं के साथ क्या लूडो खेल लेते? आपके आपके बड़े क्यों नहीं चले गए? आप तो अभी अभी एक्स मुस्लिम बने हो। एक मिनट, अभी एक्स मुस्लिम बने हो। एक मिनट, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं एक्स मुस्लिम नहीं हूँ। हिंदू भी है, हिंदू भी है, फर्ज कर लेते आप हिंदू है, एंजल अगर फर्ज कर ले कि हम ये कहते हैं एंजल एक्स मुस्लिम है, चले जी आप हिंदू है ना, आप प्योर सनातनी है। मैं कहता हूं कि ये जैसे उवैद ने कहा कि ये आपके आपका अकेले का देश है, आपका सेकुलर देश है, वहां पे मुसलमान रहते हैं, तो आप कैसे कह सकती है कि मुसलमान अरब चले जाए? आपको बड़ा शौक था ना मुसलमानों को गले लगाने का, रखने का। इनके पुरखों ने गलती की है ना, इनके पुरखों ने गलती की ना, नहीं गए ना ये, और ये यहाँ आकर के इस्लाम का कीड़ा बजाते हैं। यहाँ पे रहना तो हिंदू के जैसे रहो ना, नहीं तो इस्लाम तो अपने कुदरत का एक निजाम था कि ठीक है ठीक है। मैं एक मिनट रुकेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अरबों ये अल्लाह ताला की तरफ से एक इनाम है कि हिंदुस्तान के अंदर ऐसे मुसलमान मौजूद हैं और ये गजवा हिंद करेंगे और आप लोगों का सर काटेंगे, ये सनातनियों का खात्मा करेंगे। अच्छा जैसे इंदिरा गांधी ने आपको जैसे इंदिरा गांधी ने 1971 में आपके 93,000 को अपने पैरों के नीचे रखा था, वही वाला गजवा हिंद क्या? वही वाला गजवा हिंद
वो पता है आपको एक आपके, कहावत आपके है, पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए थे इंदिरा गांधी ने, वही वाला गजबा हिंदू का सपना देख रहे हो क्या फिर से? आपको पता है एक कहावत है, वो आपको नहीं पता शायद से, आप बता दीजिए मोहम्मद अली भाई, आप मेरे को सूट नहीं करेगा वरना ये लोग जलेंगे, आप बता दीजिए। नहीं, इनको क्या सूट नहीं करेगा, इनको इनको यही नहीं मालूम है कि क्या ना मुसलमान गजवा हिंद के लिए बसा हुआ है, अल्लाह ताला ने उनको वहां पे गजवा हिंद के लिए रोका है। अब बात कर रही है कि इंदिरा गांधी ने और किसने क्या करा था, ओ, आप ये भूल गए हो 84 भाई, में हमने, सुनो, एक सुनो, मिनट सुनो, एक सुनो, मिनट एक मिनट ओ एक भाई मिनट मर गए सुनता मारने हूँ वाले, सुनता सुनो हूँ सुनो, सुनता हूँ अरे मर सुनो सुनता सुनो हूँ आप सुनो सुनता हूँ आप सुनो, एक मर गए मिनट मारने वाले, आप बीच मर गए मारने वाले, आप अभी रिसीव कर रहे पाकिस्तान हो की तो दूसरे उतनी की नहीं औकात नहीं सुनते है, हो। सुनो सुनो ये मैम 55 आपके 55 56, सुनो छप्पन हिंदुस्तान आपके की इतनी छप्पन औकात देश, नहीं है, सुनिए आपके मुस्लिम 56 देश मिलकर के एक छोटे से इसराइल का बाल नहीं उखाड़ सकते, आपके है ना आप में इतनी औकात नहीं है, आपके 56 देशों में एक इसराइल का भी मोहम्मद अली भाई, उखाड़ नहीं कुछ, तो अभी ये मैं इनको हिंद जवाब देता हिंद हूँ, के बारे में तो आप एक सोचना छोड़ मिनट दीजिए, आपके आपको मैं गजबा जवाब हिंद ना देता अपने हूँ, दिल में एक सपने मिनट देखना मत हाँ एक छोड़िए, दिल मिनट में एक सपने मत मिनट देखिए, एक मिनट एक मिनट, आपको याद है अपने अब्बू का नाम सद्दाम हुसैन का? ये तुम्हारा तो अब्बू होगा, अब्बू हमारा होंगे अब्बू नहीं है, आपका, ये अब्बू अब्बू का आपका होंगे, तुम्हारे ये अब्बू अब्बू है, सरदार ये अब्बू जो जितने सद्दाम इसराइल हुसैन के तुम्हारे अब्बू लीडर हो होंगे, गए। अमीना सिंह जी तुम्हारे एक अब्बू है सेकेंड, सद्दाम हुसैन, हमारे नहीं है, जी तो हमारे सुन दीदी जाओ भाई अपने आए, अब्बू के नाम अगर पे, लेकिन तुम्हारे उनका अब्बू के नाम पास सुन सुना, जाओ, चलो वो किसी के भी हो, चलो किसी के भी हो, किसी के भी नहीं, उनका नाम तुम्हारे किसी सुना? के अरे नहीं किसी भाई, के तुम्हारे भी अपने, नहीं, तुम्हारे तुम्हारे किसी सिर्फ के भी नहीं, तुम्हारे तुम्हारे अपने, तुम्हारे तुम्हारे अच्छा चलिए अच्छा हमारे वो हमारे हमारे तुम्हारे आपके हैं, आपके तुम्हारा आपके तुम्हारे आपके अब्बू का नहीं, हाल चलिए क्या होता हमारे, लास्ट में, तुम्हारे चलिए अब्बू का हमारे, आखिर में हाल क्या हुआ था ये याद चलिए है ना, हमारे, चलिए हमारे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, कुत्ते की मौत मरा एक था, मिनट, चलिए चलिए हमारे कुत्ते की हमारे, मौत मैं मरा था बता रहा हूँ, तुम्हारा मैं कुछ कह अब्बू, रहा हूँ, चलिए हमारे, नाला एक में मिनट छुप तुमको के रुकिए रह मैं, रहा था, नाला में छुप के रह सर रहा था, सद्दाम जी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वैद, कुत्ते की बहुत तो इंदिरा गांधी भी मरी थी और हमारे ही भाइयों सिख अरे भाइयों के भाई वो हाथों मरी शहीद थी, हुई थी, ऐसा नहीं सुनो है? गोलियां, सुनो छाती पे गोलियां खा के मरी थी, छाती पे गोलियां खा के मरी थी, शहीद हुई थी है ना, ये गड्ढे में घुस करके सद्दाम हुसैन की मौत नहीं मरी थी, एक मिनट, किसमें घुस के मरा था सद्दाम हुसैन बताना जरा, अरे वो नाली गड्ढे में में छुप जिंदगी के, काट रहा था, गड्ढे में नाली छुप में रहा था, जिंदगी फांसी काट पे रहा रहा था था इनको ना, कुछ नहीं मालूम, इनको मेरा कुछ मेरा नहीं एक मालूम, मिनट रुक इनका जाओ, कहीं मेरा मालूम, मेरा इनका ये कहीं जोर मालूम, खा खा के इनका देखो दिमाग एक हो मिनट रुक गया, जाओ, ये हाँ मेरे रुक तो जाओ, अमरीक, वो अरे तो इतना अमरीकियों ने गोबर तो खाया है, फांसी पे इतना लटका गोबर दिया खाया ना, है, इनका अमरीकियों ने दिमाग जो फांसी है पे चलना लटकाया बंद हो उसको, गया, इतना गोबर खाया है, इतना खाया है कि दिमाग देखो चलना एक मिनट बंद रुक हो गया जाओ, इनका, यही गोबर पे रुक खाया जाओ, है, तुमने इनका दिमाग जैसे जो है ना हो वो भर तुमने गया है, बोले गलत जैसे किया हो, कीड़ा, कीड़ा भर गया इनके हाँ दिमाग तुमने में, इतना गोबर ऊंचा खाते, ऊंच, क्या बताऊं अरे अपनी तुमने हेल्थ तुम्हारा के दिमाग साथ बहुत इनके खराब दिमाग हुआ में, है दिमाग इनका, में पता नहीं क्या मीना एक एक वायरस सेकंड फैल मैम रहा है, एक सेकंड इनको मैम, बोलना ही नहीं आता, मीना मुझे बात इन्हें करने दो, इनकी सोच बंद हो गई है, गोबर अरे पीसी के भाई उसे इनको पहले कोई म्यूट लगाओ, गोबर उबैद जी को कोई खाता के म्यूट इनका दिमाग लगाओ, खराब हो गया है, से बैक अरे शिफ्ट अभी म्यूट पे लगाओ बैक शिफ्ट भाई, करो सर, थोड़ा सा म्यूट लगाओ, अब खुद की बात इतना एक साथ सभी करोगे तो ये अच्छा नहीं लगता, एक एक करके बात कीजिए, और फिर अगर कोई एक बोल रहा है ना तो सारे म्यूट कर लीजिए जी। हमारे साथ ओके जॉली एलएलबी जी ज्वाइन किए हैं, वेलकम सर वेलकम एंजल जी, कैसी हैं आप? जी, सर मैं हेलो बहुत अच्छी हूँ जी, क्या सर ये आपको कुछ बोलना चाहेंगे इनसे? उबैद भाई से जरा मैं बात करना चाहूंगा, ओके ओके चलिए हम लोग म्यूट करते हैं जी, आप म्यूट कर उबैद जी लीजिए। आप इनसे बात कीजिए जी उबैद जी भाई बोलिए, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातु, कैसे हैं जनाब? पहले आप कौन है, मुस्लिम है कौन है? जी मैं इंसान हूँ वो इंसान मुस्लिम। को मैं जवाब नहीं देता हूँ, अच्छा क्यों हाँ, क्यों वैसे क्यों भी नहीं आपकी देते हैं? कौम इंसानों को जवाब देने के, एक मिनट अंजल जी, ठीक है, आपकी कौम ना भाई इंसान को जवाब देने लायक भी नहीं है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल आपकी बिल्कुल, कौम इतनी आप गलीज कौम है ना भाई, देखो ये आपकी सुन सोच लो भाई, नहीं है। हेलो, हाँ हेलो हेलो, हाँ तो बात करने का पहले भाई ना सलीका सीखे कि बात कैसे की जाती है ओके अपने। ओके, हाँ आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं या वो कोई क्या कहते नहीं हैं वैद वैद आप? वैद, आपसे रिक्वेस्ट है इनको बात करने दे, पहले इनको बात करने दे, बुरी बात है कि ओवरलैप करें, इनको बात कंप्लीट करने दे, प्लीज कंटिन्यू ठीक है, सर। आप अपनी बात रखें जॉली भाई, नहीं मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, तो मैं यही कि अगर कोई आपसे बात करता है तो सलीके से बात कीजिए, मैं अगर एज ए इंसान होके, एज ए ह्यूमन बींग होके आपसे बात कर रहा हूँ तो आप उस ढंग से, और मुझे आप सुप्रीम कोर्ट का जज या ये सब मत, मैं क्या हूँ मुझे पता है और मेरे जानने वालों को पता है, तो आपको मुझे मेरा बोलते हैं ना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप अपना कंटिन्यू कीजिए, क्या बोलना है आपको? देखिए उवैद, अगर मैं, मेरे को इजाजत है तो मैं कहूंगा कि उवैद जो है इंडिया में बैठे हुए हैं और वो इंशाल्लाह गजवा हिंद करेंगे और क्या नाम, इस सनातन देश को जिसको हिंदुस्तान कहते हैं वो मुसलमान देश बनेगा, हम इनको ओपनली सपोर्ट करते हैं, हम पाकिस्तान से हैं वो इंडिया से हैं,
मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी, आप पाकिस्तान से हैं बेशक, जो मुल्क की शुरुआत में एक काफिर मुल्क ने उसको पैसा दिया, जो मुल्क चला अमेरिका के दम पे, फिर उसको चाइना ने पैसा दिया, तो आपके मुल्क से गजवा हिंद की बात अच्छी नहीं लगती है, जो काफिरों के ऊपर बोलते हैं ना, उनकी पैसे पे चला है, उनके भीख पे पल रहा है, आज हालत क्या है पाकिस्तान की पूरी दुनिया को पता है। ठीक है, बिल्कुल तो सही कहा, बिल्कुल सही कहा। हाँ, सर एक मिनट तो रुके ना, आप यहाँ पे रुके ना सर, सर एक मिनट, हाँ, रुके ना सर, सर देखें, अफगानिस्तान को, तालिबान को तो किसी ने, दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया था, उसके बावजूद आप लोग अपनी दुम दबा के भागे हो, $3 अरब की इन्वेस्टमेंट छोड़ के भागे हो सर आप इंडिया से, इंडिया वाले जो है वो 3 अरब, मोदी जी की 3 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट डूबी है, उनको तो दुनिया में किसी ने पैसा नहीं दिया, उसके बावजूद वो आप भागने पे, दुनिया भागने पे मजबूर हुई है, आप यहाँ पे बैठे हो पाकिस्तान को। मोहम्मद अली जी, मोहम्मद अली जी, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता सर, 3 अरब डॉलर अगर देखिए, ये चीज का मुझे पता नहीं, अगर आप बोल रहे हैं तो इसका कुछ प्रूफ अगर आपके पास हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है, 3 अरब डॉलर से इंडिया को कोई फर्क नहीं पड़ता है भाई, चिल्लर है हमारे लिए, आज हमारी कंट्री का जो इकोनॉमी है ना, सुन लीजिए, मैं सुना आपका नाम मोहम्मद अली, आपको फर्क नहीं पड़ता, जो आपके यहाँ जो मर रहे हैं बच्चे भूखे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें फर्क नहीं पड़ता है क्या? अरे उबेद भाई, एक पाकिस्तानी का जवाब दे देना तो मैं तुमसे भी बात करूंगा, सुन लो सुन लो, अरे सुन लेना भाई, ये पहले पाकिस्तानी से बात करने दे, तेरा मियां भाई बाद में कर लेना, पहले मेरे को पाकिस्तानी से बात करने दे, उसके बाद तेरे से भी बात करूंगा, जरा उसको तो जवाब देने दे, यहाँ तो कम से कम थोड़ा लिमिट रख। हाँ तो मोहम्मद अली जी, आप 3 करोड़ की, 3 अरब की बात कर रहे हैं तो इंडिया की इकोनॉमी आज ट्रिलियंस में है, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट हाई इकोनॉमी है इंडिया, ठीक है, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, आप अपने मुल्क का देखो, जहाँ पे लोग भीख मांग रहे हैं, आटे की बोरी के लिए लाइन लगा रहे हैं, तो अगर मुसलमानों का इतना ही अल्लाह का करम था ना, और आपका क्या बोलते हैं, पाकिस्तान तो वैसे ही भाई रियासत मदीना है, तो रियासत मदीना में भी जब अल्लाह कुछ नहीं उखाड़ पा रहा ना भाई, तो ऐसे मुल्क के लोगों से बात करना मेरी तौहीन है, और मेरे मुल्क के बारे में बात करना मेरे मुल्क की तौहीन है, तो आपके सर, अब आप सुनोगे जरा, सुनो सर, सुनो ना, आप सुनो ना सर, एक मिनट रुके ना सर, यहाँ पे थोड़ा सा रुके सर, ऐसा कि ये ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी है ना, उसको हमारे हमारे दोस्त, हमारे भाई जिनको हम सपोर्ट करते, खालिस्तानी, आपके तिरंगे को उठा उठा के, लंदन में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, आपका अमरीका में क्या हुआ आपके तिरंगे के साथ, भूल गए हो, अभी 2 दिन पहले की बात है, तो सर आपकी ट्रिलियन इकोनॉमी जो है ना वो घुस गई है पिछवाड़े में आपके, सर प्लीज कंटिन्यू सर, जी सवाल का जवाब मैं दे सकता हूँ, मैं दे सकता हूँ। मोहम्मद अली जी, आप फिर से गजवे हिंद के बारे में जा रहे हैं, पहली बात मैं इंडिया के बारे में बता देता हूँ आपको, आज जीडीपी में 5th है इंडिया में, वर्ल्ड में, पहली बात याद रखो, पाकिस्तान कौन सा लाइन पे ये बताइए मुझे, पहली बात, और दूसरी बात ये बोल रहे भूख मारी, और पाकिस्तान में कितनी भूख मारी, और वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, यहाँ के पॉपुलेशन कितना है, ये तक मैं बता देता हूँ कि भूख मारी इंडिया में बहुत कुछ कम हो चुका है, जो आप जो इंडिया का जो इंडेक्स फिगर देके बोल रहे ना, वो किस बेसिस में दे क्या, वो पहले देखो, पहले उसे समझो किस बेसिस में क्या, किसने माना है, एक मिनट रुक जाए मोहम्मद अली जी, मेरा बात खत्म नहीं हुआ अभी फिलहाल, एक मिनट रुक जाए, और किस बेसिस में वो इंडेक्स दिया है वो आप, हमारा इंडिया ने कभी माना ही नहीं है, और इंडिया का हिसाब ठा के देख लो कितनी परसेंटेज कम है और कितनी है पॉपुलेशन में, आज इंडिया पहले है ये भी देख लीजिए, इंडिया चाइना को ओवरटेक कर चुका है पॉपुलेशन में, इतना भी मत बोलो, और पाकिस्तान का पॉपुलेशन कितना है, और कहाँ से पाकिस्तान क्रिएट हुआ, इंडिया से अलग हुआ है, और बांग्लादेश कहाँ से क्रिएट हुआ, इंडिया से अलग हुआ है, अफगानिस्तान कहाँ से हुआ, इंडिया से अलग हुआ है, कितनी देश इंडिया से अलग हुआ है, और फिर भी आपको दूसरे देश चाहिए, और मुसलमानों को दूसरा देश चाहिए, अगर वो चाहते तो वहीं पे जा सकते थे ना, क्यों नहीं जाए वो, और इंडिया में क्यों फंस गए, और ये रुक जाओ रुक जाओ मोहम्मद अली जी, अभी रुक जाओ, मेरा बात खत्म नहीं हुआ है, नहीं रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरा बात खत्म नहीं हुई, और जहां तक मैंने आपको बोला पाकिस्तान में बच्चे को क्या सिखाया जाता है, कितना वीडियो आते हैं नफरत फैलाते हैं इंडिया के, वही इंडिया का वीडियो के बच्चे को देखो वो दोस्ती फैलाते हैं, लेकिन मैंने उस रोज भी सवाल पूछा लेकिन आपने जवाब नहीं दिया, पहली बात, ठीक है, इतना भी मत बोलिए, जहां तक इंडिया का है ना, और ये बात बताइए मुझे पाकिस्तान में, एक मिनट रुक जाइए मेरी बात खत्म नहीं, और पाकिस्तान में एक मिनट रुक जाए, और पाकिस्तान में अगर भूख मारी है ये है, तो पाकिस्तान सुपर लीग खेलने के लिए इंटरनेशनल प्लेयर भी वहां पे आते हैं, तो वो पैसा कहाँ से आता है ये बताइए मुझे,
और सर जी, भाई, सर जी एक मिनट, एंजल एक मिनट रुकिएगा, मैं इनको थोड़ा सा रिप्लाई दे दूं, जस्ट 10 सेकंड का दूंगा, ज्यादा लंबा नहीं दूंगा। सर ये मिसमैनेजमेंट है, बिल्कुल जी मिसमैनेजमेंट है। यहाँ पर आपके पास जो खबरें आ रही है मैं उससे इनकार नहीं करूंगा, बड़ी बदनामी वाली आ रही है, मगर ये टोटली मिसमैनेजमेंट है, ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं हो गया कि एक साल में दो साल में पाकिस्तान का यहाँ पे सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा नहीं हुआ, ये मिसमैनेजमेंट हुई है, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आई हुई है, यहाँ पर हर बंदा एक दूसरे के ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर ये है प्रॉब्लम, इसकी वजह से हम लोग इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर है। अब ये निकल जाएंगे, ये निकल जाएंगे, आप जिस तरह 1990 में आप लोग यानी कि एक क्राइसिस में आए थे, इसी तरह हमारे यहाँ भी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इतनी टेंशन वाली बात नहीं है। को क्यों निकाल दिया मोहम्मद अली जी, एक पाकिस्तानी रुपीस का डॉलर में वैल्यू क्या चल रहा है, एक डॉलर मतलब कितना होगा, कुछ पता है आपको? जी जी बिल्कुल पता है मुझे, 280 के करीब है। कितना? 280 के करीब है। तो और जहां तक आपके पाकिस्तान के जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने, उनका है कि 2025 तक यही 500 रुपए के क्रॉस हो जाएगा, ठीक है? तो भाई यहाँ बैठ के ना बकलोली करने से अच्छा भाई थोड़ा देश की इकोनॉमी पे ध्यान दो। सुना ना मैंने थोड़ा जाओ पढ़ाओ लिखाओ बच्चे लोग को, बोलो आईएएस आईपीएस कुछ बने, देश की तरक्की करे, यहाँ बैठ के ज्ञान ना दो भाई, कैसा ना पहले अपने देश को संभालो फिर आके इस्लाम को। सर 27% हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की संख्या हो गई है, आप सिर्फ उस वक्त का इंतजार करें ये 40% क्रॉस करे, आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान, आप हिंदुओं पे राज करेगा मुसलमान। अभी आपको वो धन निकाल के रखी हुई है, अभी आपको अभी उवैस बैठा हुआ था ना, उवैस खान कहाँ से था, हिंदुस्तान में था ना, वो गजवा इनकी बात करता है सर, वो हिंदुस्तान के अंदर बैठ के गजवा इनकी बात करता है, आप लोगों को धन डालेगा। एक मिनट मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, एक मिनट। ये जो अभी जिसको बोल रहे थे ना वो उबेद करके, वो हिंदुस्तान का नहीं, अभी जब वो एलएलबी के साथ बात कर रहा था ना तो उसने बोला आपके यहाँ, मेरे को उस पर डाउट है, वो पाकिस्तानी है, वो झूठ बोल रहा है कि मैं हिंदुस्तानी, वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तान का ही है। जी जी एक सेकंड, और हमारे साथ प्रीति हुमैन जी ज्वाइन की है, वेलकम वेलकम मोस्ट वेलकम मैम, आपका एकदम दिल खोलकर स्वागत है। शुक्रिया बहुत, मोहम्मद अली और ये जावेद साहब इतनी बड़ी बड़ी भी नहीं फेंकते कि अगला बंदा शर्मिंदा हो जाए, इतनी बड़ी भी नहीं फेंकते। गजवा हिंद की बात कर रहा है वो बंदा हिंदुस्तान में बैठ के, तो इसमें इतनी कौन सी तीर मार देने वाली बात है, बात ही तो कर रहा है, कौन सा गजवा हिंद होने लग गया है। तो आप ये जो उछल रहे हैं किस बात पे उछल रहे हैं? दूसरा आप बोल रहे पाकिस्तान में ये फेज आया है और पाकिस्तान उस फेज से निकल जाएगा, 1947 से वो उस फेज में फंसा हुआ है, अभी तक नहीं निकला और इंशाल्लाह आगे भी नहीं निकलेगा। और 1990 तक हमारी अठन्नी जो थी ना आपके एक रुपए के बराबर थी, आप कह रही है आपकी 19 उठाए गूगल करें, अभी गूगल करें, एक मिनट रुके सर, बड़ी मेहरबानी, आप लोग इतने सारे लोग काउंटर करने लग जाते हैं, एक बंदा बैठ जाता है, आप रुको तो मैम, एक मैम नहीं, ये कोई बात नहीं है कि आप यहाँ पे बोले, आप बोलेंगी और मुझे कंप्लीट करने दें। हाँ ये अब इसको लगी है, आपने कंप्लीट किया था तब मैंने बोलना शुरू करा था। एंजल म्यूट करो, एंजल इसको म्यूट करो, ये ऑफिशियल भिखारी को म्यूट करो प्लीज। ये गजवा हिंद की बात करते हैं, आप लोग पत्थरों से करोगे, जूतों से करोगे या डंडों से करोगे? आपके पास है क्या एजुकेशन नाम की? आपके पास चीज नहीं है, आपके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ते, उनको साइंस का पता नहीं है, दुनिया कहां से कहां चलेगी, आप गजवा हिंद करोगे? इतनी बड़ी स्टेटमेंट देने से पहले एक बार शीशा तो देख लिया करो कि बात, गजवा हिंद मतलब वॉर करेंगे और गालिब पा लेंगे, 40% हो जाएंगे तो देख लेना ये गालिब आ जाएंगे, 40% पहली बात होंगे ही नहीं मैम, 40% में से तो 20% तो एक्स मुस्लिम हो गए। हाँ तो किस ख्वाबों की दुनिया में जी रहे हो आप, बहुत स्टूपिड लग रहे हो। और दूसरा वो एक फेक इंडियन बन के आया, वो है तो पाकिस्तानी, पता मुझे चल गया उसका। हाँ, तो वो भी गजवा हिंद क्या आप लोगों का क्यों बच्चे हो, ये फेरी टेल्स चल रही है क्या बच्चे हो? मुझे तो गजवा हिंद के नाम पे हंसी आती है। आप लोगों को ये एजुकेशन दिया गया है, अच्छा आप लोग जी रहे हो, ड्रीम कर रहे हो, ओके दुनिया में गजवा हिंद होगा, आखिरत में जन्नत मिलेगी, ये लाइफ है आपकी, शिट लाइफ है आप, कोई फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड रिसोर्सेज। हां जी बोल रहा है, चलो अनम्यूट करो,
27% बोल रहा है ना ये मुस्लिम है, अरे तो भाई उसमें से ना 15% 15% तो एक्स मुस्लिम हो गए बोल रहा है। तो प्रैक्टिस कौन करता है, प्रैक्टिस कौन करता है जी? मीना मैम एक मिनट आप उनको बोलने दीजिए, बोलो बोलो करके बात करते हैं। ऑफिशियल भिखारी बोलो, उनको अच्छा वो चला गया मतलब अपनी बेइज्जती। हाँ मतलब कि समझ आ गया कि अब यहाँ पे क्या बोलने आए और क्या बोलना था। वाओ तालियां बजाओ सारी, क्राइसिस से निकल गया पाकिस्तान माशाल्लाह। हाँ जल्दी उवेद को ज्वाइन कीजिए ना, उवेद शायद है, उवेद को ज्वाइन कीजिए ना। ये देखो पाकिस्तान का फ्लैग लगा के आया पाकिस्तानी, मतलब मैं फेक फेक इंडियन हूँ भाई, मैं इंडियन ही हूँ बिल्कुल भाई, बिल्कुल फेक इंडियन हो, फेक फेक अगर, फेक अगर इंडियन होता ना, अगर अगर इंडियन का दौर होता। एक एक करके बात करें प्लीज, एलएलबी सर बात करेंगे, आप कीजिए एक एक करके बात कीजिए तो अच्छा लगेगा है ना, लोगों को भी समझ आएगा। एक मिनट आपको मैं इंडिया की बुक दिखाता हूँ, इंडिया के मेरा, आप ये सोच रहे हैं ना कि मैं पाकिस्तानी हूँ तो मैं इंडिया का, आप ये समझते, तो मैं इंडिया के वो दिखाता हूँ आपको। एक मिनट, कोर्स जो मेरा कोर्स है वो इंडिया का है और उसमें संस्कृत भी है, और वहाँ पाकिस्तान में तो संस्कृत भी नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट की। भाई मैं पाकिस्तान की किताबें दिखा दूँ, मेरे पास पड़ी हुई है। नहीं 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 मैं हूँ इंडियन, लेकिन पाकिस्तान की बुक्स मैं दिखाती हूँ, फिर मुझे बोल दीजिएगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सब दिखाने की दिखा दो ना मैं आपको, मैं आपको ना एक मिनट रबानी जी एक मिनट, मैं अपनी गाड़ी दिखाता हूँ, वो यूपी वो यूपी की है, मैं दिखाता हूँ ठीक है। एक मिनट रुकिएगा, डजंट मैटर कहाँ से हो, बात तो गजवा हिंद की कर रहे हो ना, इंडियन हो पाकिस्तानी हो डजंट मैटर, बात आप गजवा हिंद की कर रहे हो, इतनी स्टूपिड बात कर रहे हो, आपको जरा भी शर्म नहीं आती? किस नॉलेज के बेस पे आप ये बात कर रहे हैं, क्यों नहीं आती आपको शर्म, आपको आनी चाहिए। मैडम एक मिनट, हमें शर्म नहीं आती, गजवा हिंद तो बनेगा, बनेगा बनेगा ओके, इससे क्या बन जाएगा, कितने जाहिल लग रहे हो आप, अपना मोदी बैठा है, योगी बैठा है, देखो कितना गजबा हिंद कर रहा है उन्होंने, समझ में आया कुछ बोलने से पहले थोड़ा शर्म कर लिया करो यार, वो तो समझ में आता है मोहम्मद अली, मोहम्मद अली चलो फर्स्ट एड है, मोहम्मद अली का भाई समझ में आता है कि वो पूरा गुस्सा निकालता है, उसको सुनते हैं दिल्ली के काम में ना, उस चकले से मैं क्या बोल रही हूँ, वो जो आता है ना मोहम्मद अली, उसका सबको समझ में आता है कि वो पागल है, वो फ्रस्ट्रेशन निकालने आता है यहाँ पे, क्योंकि वो पाकिस्तान से वैसा ही उनको सिखाया जाता है, और हम लोग भी हंसते हैं पीछे बैठ के, उसको हम कुछ नहीं बोलते, क्योंकि हमें पता है बिल्ली के ख्वाब में वो होता है ना छिछड़े, वो है आपके ख्वाब में, खाते यहाँ का हो गाते वहां का हो, तो मुझे ये भी समझ में नहीं आता है कि जो अपनी माँ है, अपनी माँ को माँ भी बोलते हैं, पड़ोसी को माँ बोलते हैं। आपको पता है वो योगी जो राशन देता है ना, योगी जो राशन देता है वो राशन मैं नाली में डाल देता हूँ पता है, और उसके मुंह पे चलो गांधी की फोटो दिखाओ मुझे। अच्छा गांधी की फोटो दिखाओ, तुम्हारे पास कैमरा है ना, कैमरा ओपन करके गांधी की फोटो दिखा दो एक बार। चलो गांधी की किसका फोटो दिखाऊं मैं, तुम्हारे बुक्स है ना तुम्हारे पास, एक बार दिखाओ। मेरे पास बुक्स है तो मैं आपको वो दिखाता हूँ ना, गाड़ी। अच्छा गाड़ी दिखा दो, गाड़ी दिखा, गाड़ी दिखा दो, गाड़ी, एक मिनट एक मिनट सुहेल भाई चुप करो, सुहेल भाई चुप करो एक सेकंड, गाड़ी दिखाओ भाई जल्दी, गाड़ी दिखाओ, नंबर दिखाओ, आप बहुत कर रहे थे ना, एक बार गाड़ी का नंबर दिखा दो प्लीज, वो गाड़ी आपकी जो भी यूपी की है, एमपी की है, सीएचडी की है, जो भी है दिखा दो प्लीज एक बार, कैमरा ऑन करके। एक मिनट सब लोग म्यूट रहिएगा, गाड़ी दिखाना है इसको, मुझे देखना है कि, मुझे पूरा डाउट है ये पाकिस्तानी है, ये इंडिया का नहीं है, चल दिखा भाई गाड़ी, और हम देख लेंगे वो गूगल से फोटो होगी गाड़ी नंबर प्लेट की या फिर क्या है। चलो ये देखिए, ये बुक है, नहीं गाड़ी की नंबर प्लेट दिखाओ भाई, बुक तो मैं भी दिखा देती हूँ पाकिस्तान की, यहाँ पे मेरे पास भी है, मेरे पास एक मिनट, हाँ ईरान की बुक भी है, कहाँ है गाड़ी, गाड़ी कहाँ है, अरे ऐसे कुछ भी दिखा के भाग गया, अरे सही से दिखाओ भाई गाड़ी का नंबर, उस पे तो चांद बना हुआ था, एक बार दिखाओ भाई, अरे गाड़ी दिखाओ भाई, अपना थोबड़ा मत दिखाओ, बहुत पाकिस्तानी देखे हमने, एक बार गाड़ी दिखाओ, फिर से दिखाओ प्लीज, सही से दिखाना, वो दिखा नहीं हम लोगों किसी को भी, क्या है ये यू सी, सही से दिखा नहीं, यू सी दिखा भाई, यू सी दिखा है, एक मिनट दिखाओ, देख लिया, दिख गया नंबर, क्यों छुपा रहा है, फट रही क्यों तेरी, हाइड क्यों कर रहे हो, किसका डर है, हाइड क्यों कर रहे हो, योगी का डर है, योगी का डर है,
अभी तो टकला बोल रहा था, अभी फिर क्यों क्यों डर लग रहा है योगी से? तो वही ना, गजबा हिंद चाहिए इनको, घंटा चाहिए इनको। चलो तुम लोग कंटिन्यू करो, मैं थोड़ी चीजें सुनूंगी। मैडम रब्बानी मैम, रब्बानी मैम, 10-10 रुपए में ऐसी फर्जी नेम प्लेट मिलती है। अरे वो दिख रहा था टेप से लिखा हुआ उसने। नहीं और ये डर मतलब नहीं नहीं ये बात इससे एक बार उबेद तो बोले, इसका चेहरा भी आ गया सामने बेटा, एक बार पीछे करके देख ले वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, और हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो है उसको ढक रहा है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इसको योगी से फट रही है, जिसको अभी ये टकला आज उसी से फट रहा है। पता है उसको कि फिर बुलडोजर बाबा का क्या आतंक होता है, कैसे गजवा हिंद निकालता है पीछे। आप क्या गजवा हिंद करोगे? आप तो 2-3 औरतें आपसे बात करी, आप डर गए, आपने नंबर छुपा दिया, ऐसे लोग गजवा हिंद करेंगे, शेम ऑन यू। मैडम मैडम मैंने ना उबेद भाई की पूरी ये बात सही बोली मैम ने, ये बात सही बोली। इसमें क्या हिम्मत है रबानी जी, रबानी जी मैं अभी आप लोग को अनाउंस करना चाहता हूँ कि उबेद भाई का मैंने जो है पूरा फेस के साथ में वीडियो रिकॉर्डिंग लिया है, और मैं यूपी पुलिस को टैग करता हूँ ट्विटर पे, यूपी पुलिस को टैग करता हूँ कि ये हमारे देश में गजवा हिंद करना चाहते हैं, तो प्लीज टेक ए नेसेसरी एक्शन अगेंस्ट दिस गाय। और फिर ये भी ऐड करना भाई कि ये जो है जो कह रहे टकला हमारे योगी साहब को कह रहे टकला। एक मिनट, मैं पाकिस्तान के मुसलमानों से प्यार करता हूँ, ना कि पाकिस्तान से, समझे? अरे भाई आप किसी को ही प्यार करो, गजवा हिंद करना है ना इंडिया में, गजवा हिंद करना है ना इंडिया में, तो उबेद एक मिनट, उबेद एलएलबी साहब को बोलने दे। नहीं नहीं ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें एक चीज ऐड कर लीजिए एलएलबी साहब, थोड़ा सा मेरे तरफ से, कि इन्होंने कहा है हमारे योगी साहब को कि टकला, ठीक है, ये हमारे वो हमारे देश के मंत्री है, और बताइए उनको कह रहे हैं कि टकला है, तो थोड़ा उसमें आप प्लीज ऐड कर दीजिएगा। प्रॉपर इनका मैं प्रॉपर पूरा अच्छे से यूपी पुलिस के ट्विटर पे इसको टैग करने वाला हूँ, और वहाँ का जो सीएम ऑफिस है वहाँ पे भी इसको टैग करूंगा, और इनके इनका प्रॉपर मैं पूरा ये करूंगा। हाँ बोलिए भाई। आपने बोला ना गजवा हिंद करना है आपको, कीजिए गजवा हिंद। उन्होंने मुझे पैसे दिए थे, बात सुनिए तो एलएलबी भाई, एक मिनट एक मिनट यार प्लीज, मैं बताऊं हाँ। इसको मजाक में मत लो, मैं बोल रही रियल में सच में इसका जो इतना मजाक वीडियो ना नहीं है मीना सिंह जी, आप मजाक आप ले रही है, मजाक ही नहीं चल रहा यहाँ पे। जरूरी मैडम मैडम एक सेकंड म्यूट कीजिए जी, एक सेकंड म्यूट कीजिए मैम, ये मजाक नहीं चल रहा है मैम, म्यूट कीजिए आप, मैं मीना सिंह मैम आप प्लीज म्यूट कीजिए, और एलएलबी सर बोलिए बोलिए आप बोलिए सर, क्योंकि हाँ एक्शन लेना जरूरी है। मेरे देश में रहकर चाहे वो कोई भी रिलीजियस का बंदा रहने दो, चाहे वो हिंदू रहने दो, मुसलमान रहने दो, कोई भी जो मेरे देश के खिलाफ उल्टा बोलेगा मैं उसको नहीं बख्शने वाला, चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए। इस बंदे ने अभी पूरे इतने लोगों के सामने बोला कि इसको इस देश में गजवाए हिंद करना है, वो पाकिस्तान का, सॉरी फॉर माई लैंग्वेज, लेकिन वो भरवा आके मुझे बोलता है पाकिस्तान का कि इंडिया के मुसलमान ये करेंगे, और ये इंडियन मुस्लिम होके जिस मुल्क ने इसको एजुकेशन दिया, जिस मुल्क ने इसको राशन दिया, वो उनके सपोर्ट में बोल रहा है, तो ऐसा बंदा मुझे नहीं चाहिए इस मुल्क में। हेलो, अरे भाई सुन तो लीजिए, एक बात याद ये भी कबूल किया कि पैसे दिए थे लोगों ने, पैसे दिए थे ये बात बोलने के लिए, ये भी कबूल किया। आज के बाद ये सब बातें नहीं कहूंगा, और हिंदुस्तान जिंदाबाद, और आज के बाद ये नहीं करूंगा, और फ्लैग अभी हटा रहा हूँ मैं, आज के बाद नहीं करूंगा। और ऐसा कुछ अगर आप आगे से अगर मैं करूं तो आप कार्यवाही कर दीजिए, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। ओके, गुड बॉय, गुड बॉय। ओके, निकल गई सब एक ट्रेन की, सब एक ट्रेन, आह टू, आह टू, आह टू, आह टू। भाई तुम कल को तुम दूसरा नाम लेकर, कल को तुम दूसरा नाम लिख करके कल को तुम वाइस चेंजर करके आओगे, फिर तुम यही करोगे, तुम क्या भरोसा, तुम्हारा तुम पे भरोसा नहीं कर सकते। ये मोहम्मद अली के साथ में, ये मोहम्मद अली के साथ में ये कई बार इसने कई स्ट्रीम में ये सब चीजें बोला है, ये कई बार बोला इसने, पूछो से, आज ये पहली बार नहीं बोल रहा, ये मोहम्मद अली के साथ में कई सारी स्ट्रीमों में ये सब चीजें बोल चुका है। नहीं मैम आज के बाद ऐसा नहीं होगा मैम,
वेद, ये तुम्हारा पूरा मेरे पास पे रिकॉर्डिंग है, पापा देख लेंगे आज के बाद क्या होगा, अभी उसकी टेंशन छोड़ दो आप। हाँ, आगे आगे के बारे में टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि हम लोगों के पास जो इनका सबूत चाहिए, चाहे ये जितना भी फेस बदल के आए, नाम चेंज करके जो भी करके आए, वो हमें मिल गया, टेंशन नहीं लेने का। लेकिन हाँ, अब बताओ भाई कि तुम्हें गजवाए हिंद क्यों नहीं करना है, ये बताओ। इतना जल्दी हार क्यों मान रहे हैं? वेद खान सच्चा मुसलमान, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डर रहा, तुम टकले बाबा से क्यों डर रहे हो? देखिए, हमें पकड़ना नहीं है ना पुलिस में। नहीं, वो जो राशन फेंका है तुमने गटर में, वो उसका भी हिसाब लिया जाएगा। और गजवाई हिंदी तुम्हारे से करवाया जाएगा। तुम राशन फेंके थे उसके, किसी गरीब को अगर तुमने वो राशन दिया होता तो शायद उसका घर वो खा रहा होता। गवर्नमेंट तुमको इतनी सारी सुविधाएं देती है, इतनी तुम्हारे पीछे खर्चा कर दिया, तुम राशन गटर में फेंक रहे हो। जो मैंने राशन की बात कही, राशन नहीं हो रहा अभी, इसको पुलिस का डर हो रहा है, कोई पूछे दे रहा है, इसको बोल अल्लाह बचा लेगा, टेंशन काहे ले रहा भाई, पुलिस से राशन बचा ले। राशन मुझे पूरा मिलता है और मैं खाता भी हूँ। मैं ऐसी उनकी बातों में आके कह रहा था, और राशन उनका मेरा अब भी घर पे रखा हुआ है, मैं उनकी बातों में आके कहा, समझी? मैं नहीं करूंगा आज से, ऐसा नहीं बोलूंगा, और मैं माफी मांगता हूँ वहां से। स्टीम यार्ड जो भी है इनका, उस पे मैं कभी आऊंगा नहीं, आज से ही मैं क्वाइट करता हूँ। और तुम नहीं, नहीं तुम आओ, लेकिन जो तुम ये बातें कर रहे हो, ये मोहम्मद अली के आकर के बातों में, वो क्या लग रहा है कि वो तुम्हारा सगा है? तुम इंडिया के होकर तुमको लग रहा है वो पाकिस्तानी आकर के बहका रहा है, तो तुम उसकी बातों में आके बहक करके उसकी बातों में कह रहे हो कि हम गजवाए हिंद करेंगे? ये मुझे, मैं देखो, मैं पहले ना इस्लाम पे ही बात करता था, लेकिन जब से ये मुझे मिले हैं तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से बोलो, उसके तरफ से बोलो। अच्छा रुको, बात तो सुनो, बाबा जी बराबर बुलाएंगे देगा तो खाओगे क्या? बोलेगा तुम्हारी बहन को मेरे पास भेजो तो भेजोगे क्या? हाँ, वो यहाँ पे होता, वो पाकिस्तानी जो आया था गजवा हिंद करने, अभी होता कितना सैड फील करता। आपने क्विट कर दिया, आपने कहा मुझे लड़ना ही नहीं है, काश वो यहाँ पे होता। भाई आखिरत में क्या मुंह दिखाओगे अल्लाह को? गजवा इनके लिए जब सवाल जवाब होगा, अल्लाह पूछेंगे भाई गजवा इनके लिए तेरे को भेजा था, और तू ऐसा बोल रहा है, क्या जवाब दोगे अल्लाह को भाई? नहीं नहीं, तुम कंटिन्यू करो भाई, मैं मेरा काम करूंगा, तुम तुम्हारा काम करो, इंशाल्लाह भाई तुम्हारी जीत होगी, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। चलो तुम कंटिन्यू करो गजवा भाई। भाई मुझे करना ही नहीं है, आई एम सॉरी, मैंने आप गलत बोला, कुछ नहीं बोलना नहीं है पहली बात, और मैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। अच्छा, और रहेगा उबैद, उबैद, ये जावेद खान, जावेद खान है क्या, क्या नाम है इसका? उबैद खान। बात सुनो, तुम आओ स्ट्रीम्स पे, आओ बात करो, ठीक है? लेकिन ये जो हेट फैलाना है, वॉर के लिए उकसाना और उसको फिर सपोर्ट भी करना, ये मत करो, ये हम बोल रहे हैं बस। वो तो फिर मुसलमानों को मैं परेशान भी तो ना करो, हमें जो परेशान करा जाता है, इस बारे हम बोलते हैं। सबसे ज्यादा जो दुनिया में गंद फैलाया हुआ है ना, वो मुसलमानों ने फैलाया मेरे भाई, ठीक है? आपको किसने परेशान किया? अपनी परेशानी बताओ, शायद मैं अपनी परेशानी सॉल्व करूं। परेशान इनको किया जा रहा है, इनकी अमित भाई, तालीम हासिल करो, दुनिया में आगे बढ़ो, आपको कोई परेशानी बंद करवा दिए जा रहे हैं हमारे मदरसे, होने चाहिए मदरसे तो बंद होने चाहिए। क्यों? अच्छा मदरसे बंद होने भाई, मदरसे बंद हो रहे हैं, और क्या दूसरी परेशानी है भाई आपको? और कुछ नहीं है, बस मदरसों। अब मुझे बात बताओ, मदरसों से पढ़े लिखे आज दुनिया को उसने कुछ दिया हो, एक साइंटिस्ट का नाम बताओ इस पूरे मुल्क में, इस पूरी दुनिया में से एक साइंटिस्ट का नाम बताओ जो मदरसों से पढ़ाई लिखाई करके ऐसे दुनिया को बहुत अच्छा उसने कुछ दिया हो, एक नाम बताइए मुझे। उधर मदरसों में वो तालीम, अरे भाई मैं नाम पूछ रहा हूँ, मुझे ज्ञान मत दो, ज्ञान मुझे बहुत है, मुझे एक नाम बताओ कि मदरसे से पढ़ा लिखा एक साइंटिस्ट का नाम मुझे बताइए आप। मुझे नाम तो नहीं पता। अच्छा ठीक है, एक डॉक्टर का नाम मुझे बताओ जो मदरसों से पढ़ाई किया है और उसने डॉक्टरी करके आज लोगों की सेवा कर रहा है, एक डॉक्टर का नाम बताओ मुझे। डॉक्टर जाकिर नायक। अच्छा, डॉक्टर जाकिर नायक लोगों की सेवा कर रहा है मदरसे। अरे वाह, क्या बात है यार, क्या बात। कितने मुसलमानों का, कितने मुसलमानों के लिए वो काम किया है भाई, कितने मुसलमानों के घर की रोटी रोजी जाकिर नायक चला रहा है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो डॉक्टर है। अरे भाई, डॉक्टर नहीं है वो डॉक्टर, इसका सिर्फ लोगों को भड़काने का डॉक्टर है, ठीक है? इसलिए भागा भागा भी फिर रहा, लोगों को भड़काने का डॉक्टर है। नहीं, आप जाकिर नायक का लेटेस्ट न्यूज़ एक बता दे दो, जाकिर नायक को
एक्चुअली जाकिर नायक को डिपोर्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम इंडिया में अरेस्ट करने वाले हैं, ये भी देखिए। हाँ, ओमान से ना, ओमान से। अच्छा सुनो तो एंजल मैम, मैं जा रही हूँ नीचे अब। हाँ ओके ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित भाई, अमित भाई जो मैंने आज मैसेज दिया है साहिल भाई को पहुंचाइएगा। हेलो जी जी सर जी, बिल्कुल जी जी, बोलिए। ये उबैदुर भाई चले गए क्या? नहीं यही है। देखो भाई, पाकिस्तान में आटा 150 रुपये किलो है और तुम यहाँ के अनाज लेकर नाले में बहा रहे हो, और फिर भी यहाँ रहते हुए इतनी तुम्हारे अंदर हिम्मत है कि तुम कह रहे हो कि यहाँ गजवाए हिंद करेंगे, सोच लो, और फिर कह रहे हो कि हमारे साथ जुल्म होता है। ये किस तरह का जुल्म है ये बताना जरा। अब वो मोहम्मद अली के बातों में आकर, वो मोहम्मद अली एक नंबर का भड़काऊ है, और उसका अभी अगर अगर आज या कल तुम्हारे घर पे बुलडोजर चलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, तुम होगे या तुम्हारे अली होंगे? जी जी, सॉरी आपको काट रही हूँ, वो इतना डरपोक है, वो मेरी बात सुने जवाब दिए बगैर ही भाग गया, भाग गया। उसने मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि उसके पास कुछ था ही नहीं बोलने को, था ही नहीं। आई बताइए, इसको आगे करके वो भाग गया। अभी बुलडोजर अगर चले तो बताइए किसके घर पे चलेगा? आगे। ओ तेरी, आ गए आ गए आ गए आ गए। मोहम्मद अली ये देख लो, तुम्हारे हिंदुस्तान के बेगैरत मुसलमान पेट गिली हो गई है यार। पता है क्या हुआ, क्या के कहना, देखो बैठा तो मैं भी हिंदुस्तान में ही हूँ, लोगों को अभी तक ये नहीं समझ में आया, लोग मेरे पे पाकिस्तानी टैग लगाते हैं, मैं कहता हूँ लगा रहे रहो। अच्छा बैठा तो मैं भी पागल समझा, मैं आज तक पकड़ा गया, मैं आज तक पकड़ा गया, मुझे नहीं बना सकता, मैं आज तक पकड़ा गया। वो बेचारा छोटा था वो। जी जी सर, मोहम्मद अली सुनिए ना, मोहम्मद अली जी झूठ मतलब क्यों पाकिस्तानी, मतलब मैं जब से मुसलमान हूँ या नहीं हूँ वो सेकेंडरी पार्ट है, लेकिन मुझे पाकिस्तान वालों की ना दोगला पंथी ना भाई कभी हजम नहीं हुई। मतलब कितने बड़े दोगले हो भाई तुम यार, प्लीज मतलब हिंदुस्तान में रह के कोई पकड़ नहीं। अरे भाई मतलब ये दोगलापन लाते कहाँ से, भाई बॉर्न है कि मतलब मदरसों में मौलाना जी ने पीछे से इंजेक्ट किया आप लोग के? ये आपके सच वालों को करा था ना, सच वाला ने तो एक्सेप्ट करा था ये पीछे से क्या कहा कि हो सकता है मैं भी हिंदुस्तान में बैठा हुआ हूँ, क्या आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया? अरे यार ये हो सकता है मैं हूँ यार, ये 10-10 रुपए की सिमें मिलती है 92 90, कल मैं 91 की सिम से तुम्हें कॉल करूंगा अमित, तुम्हारा मेरा तो रब्ता है ना व्हाट्सएप के पर, कल मैं तुम्हें 91 की सिम से कॉन्टेक्ट करूंगा। हाँ करिएगा, ठीक हो गया, डन हो गया, डन हो गया, डन हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। सो प्लीज सब सपर कर सरा कबर सबर कराए सरा सरा कब वट एवर।